रिज्यूम रिकॉर्डिंग। देखो ध्यान देना सब कोई। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार क्यों ऐसा, मतलब ये छह रेशियोज आखिरकार हमें पढ़ना क्यों होता है, उस पर एक बार डिस्कस करते हैं हम। वो आप डिफिनेशन नहीं बताएंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, तीन वर्ड से मिला, ट्राइगोनोमेट्री, वो सब हम नहीं डिस्कस करते। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान में रखना, ये कौन से ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होता है हमेशा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसके तीन साइड है, इसको हाइपोटेनस लो, इसको परपेंडिकुलर लो, इसको बेस लो। तो तुम इन छह साइड, मतलब इन तीन साइड में से कितने रेशियोज लिख सकते हो। मतलब अगर तुमको हम ट्रायंगल के साइड का रेशियो लिखने बोले, जैसे ट्रायंगल के तीनों साइड है, तुमको हम बोले रेशियोज लिख के दिखाओ, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज तुम कितने लिख पाओगे? छः छह। सबको ये समझ में आ रहा है? हम बोले कि इस ट्रायंगल में तीन साइड है ना, हमको दोनों यस साइड का रेशियो लिखना है, तो मैक्सिमम कितने रेशियो लिख सकते हो? एक बार जैसे हम लिख दिए पी बाई एच, ठीक है, एक बार लिख दिए बी बाई एच, बाय एच और एक बार बी बाई एच, बी बाई एच आ गया, पी बाई बी बच गया, ठीक है। और कोई रेशियो लिख पाओगे इसका? देखो तो जैसे पी बाई एच लिख दिए, अभी रेसिप्रोकल पे नहीं आ रहे हम, सिर्फ तीन रेशियो बताओ, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। और कोई रेशियोज पॉसिबल है तो बताओ? नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी, ठीक है। अब इसी सब को एक नाम दे दिया गया। जब हम ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखे हैं, किसका किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो इसको हम लोग क्या क्या नाम से बुला दिए, तो साइन थीटा। जब बेस और हाइपोटेनस का हम लोग लिए रेशियो, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, कॉस थीटा कॉस थीटा। जब पी वाई बी यानी परपेंडिकुलर और बेस का जब हमने किया तो टैन टेन थीटा, थीटा और एच वाई पी किए तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और एच वाई बी सेक सेक थीटा, थीटा और बी वाई पी क्या आ गया, कॉट कॉट थीटा, ठीक है। तो ये छह रेशियो तुमको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक एंड कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। आया पल्ले पड़ा, ये रेशियो याद रहेंगे यस सर। सबको? अगर भूला तो खैर नहीं तुम लोगों का। कहाँ चला गया जी वन नोट? कीबोर्ड ऊपर रख देने बिना ही दिक्कत होता है। तो अब देखो इसी पे कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग बनाते चलना, ठीक है। मैक्सिमाइज है ये करने बोल रहे हैं। हाँ नहीं फिर ये गायब हो जाता है यहाँ से। चलो इतना हो गया, किसी को डाउट इसमें नहीं है? तो छह वो रेशियो रट के बैठ जाओ आज के बाद से। अब देखो इस पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग आराम से बना सकते हैं। इसमें कौन सा पोर्शन हटाया है सिलेबस से बताओ कोई? आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटाया ना, हाँ 0 और 90 डिग्री पे उसका प्रूफ क्या 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 हटा है? जो कर सर। अब वो जो 0 90 डिग्री पे नहीं देता था, 0 90 डिग्री पे क्या मतलब? लिखा हुआ था रेशियो विच आर मोटिवेटेड ऑन 0 एंड 90 डिग्री। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ चलो ये रेशियो याद रखना, अब इस पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, वो तुम लोग करते चलना। और इस पे अगर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे ये छह रेशियो तुमको याद रखना है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। इसको कैसे याद रखता है, कोई तरीका किसी को पता है क्या? हाँ सर, क्या पता है बताओ तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित अच्छा बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हाँ सर, आप हमको सिखाए थे पंडित पंडित हरि प्रसाद हरि भोला बोल, प्रसाद जो भी था। पंडित ये सर,
नहीं समझ में आया, कैसे रट कैसे? अरे ये लोग गधा ऐसे याद किया ये लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा नहीं बोल सकते हो, पड़ोसी देश भूखा प्यासा। चलो और नीचे जाता है तुम्हारा एच एच बी, ठीक है? तो पी वाई एच साइन थीटा, बी वाई एच कॉस थीटा, पी वाई बी टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल एच वाई बी एच वाई पी कॉसेक थीटा, एच वाई बी सेक थीटा एंड पी वाई बी वाई पी कॉट थीटा। ये तुमको याद कर लेना, ये छह रेशियो तुम्हें याद होने चाहिए और याद हो जाएगा जब क्वेश्चन बनाते रहोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ये सारा चीज तुमको याद होते चला जाएगा, ठीक है? और एक चीज और, हाइपोटेनस डिसाइड हो जाता है ना सबसे? यस सर। हाइपोटेनस डिसाइड कर लेते हो ना? यस सर। एंगल है ए बी सी, तो हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स रहेगा ये 90 के सामने वाला साइड, ठीक है? अब दिक्कत आएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने में, किस पे परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग कैसे डिसाइड करते। तो देखो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि साइन सी निकालो या फिर साइन ए निकालो, ऐसा करके। तो जिस भी एंगल की बात करेंगे, साइन सी कहने का मतलब हमको इस एंगल पे काम करना है, ठीक है? तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे, बाकी जो साइड बच गया उसको बेस अज्यूम करेंगे। ये आया समझ में सबको? नो सर। नहीं आया? जैसे देखो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस तो हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ये ट्रायंगल बना हमारा ए बी एंड सी, तो हाइपोटेनस तो ये फिक्स हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। अब बात आ गया परपेंडिकुलर इसमें किसको लेंगे, चाहे जो देखो जो इस डायरेक्शन से देखेगा इस तरफ से उसके लिए तो परपेंडिकुलर बीसी बनेगा, और जो नीचे से देख रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर ए बी बनेगा। लेकिन yes, कैसे डिसाइड करोगे? एक क्वेश्चन के लिए हम दो परपेंडिकुलर तो अज्यूम नहीं कर सकते। तो जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा कि आप साइन ए निकालो, ठीक है? अगर साइन ए बोला, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्लियर? तो हम yes, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाले साइड को हमेशा क्या अज्यूम करके चलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है? और जो बच गया ये क्या बन जाएगा हमारा? बेस। तो अभी हम साइन ए क्या लिखेंगे? होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही बीसी। तो इसको अगर साइड के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बीसी बाय एसी। लेकिन यही अगर साइन सी बोल देता निकालो, क्या? साइन सी, यानी साइन सी के लिए ये एंगल आ गया। जब अब साइन सी पे ये एंगल आ गया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड क्या बन जाएगा? बेस। बेस। तो अब साइन सी के लिए रेशियो देखो फिर चेंज हो गया, ए बी अपॉन ए सी। ये चीज आया सबको समझ में? यस सर। किसी को डाउट इस पे तो पूछो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सबको, नहीं है? पक्का? यस सर। चलो फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं, करते चलना, या इसको एक कॉपी में अपने लिख लो सारा कुछ रेशियोज है वो लिखते चलो। जैसे साइन थीटा को हमने लिखा पी अपॉन एच, लिख लो। कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग? बी अपॉन एच। टैन थीटा क्या लिखते हैं? पी अपॉन डी। साइन का उल्टा क्या जाता है? कॉसेक थीटा। ये होता है एच अपॉन पी। इसका सेक थीटा एच बाय बी, और ये कॉट थीटा बी बाय पी। ये छह रेशियो याद रखना है। उसके अलावा हम तुम लोग नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं, साइन थीटा को वन बाय कॉसेक लिख सकते हैं, ठीक है? क्यों लिख सकते हैं? तो देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा
कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. अब ये पी ऊपर चला जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, पी बाय एच विच इज इक्वल टू साइन थीटा. आया ये समझ में या नहीं? तो हम लोग कॉसेक थीटा को भी 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं. हाँ, कॉसेक को भी 1 बाय साइन लिख सकते हैं. ये आया सबको समझ में? यस सर. नहीं आया, नहीं आया, एक बार फिर से. क्या नहीं आया? नहीं. चलो अभी हमने बस माना कि साइन थीटा को हम लिख रहे हैं 1 बाय कॉसेक थीटा. ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक होता है. क्यों होता है तो देखो, कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे तुम बताओ? डाउट पूछो तो माइक बंद मत करो. कॉसेक थीटा बताओ क्या लिखेगा सर? एच बाय पी. अब देखो, ये पी को ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करने भेजोगे, ऐसा रहता है 5 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5, तो इसका क्या रिजल्ट बनता है? 25 बाय 4 बनता है. अच्छा, तो बस वही चीज है, ये पी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या बन गया फिर से? पी बाई एच आया. ये साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा. तो साइन थीटा को हम जैसे 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन लिख सकते हैं. कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं. दो क्या क्या बच गया? टेन थीटा वाला बच गया ना, लिखते चलना ये सब. और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, ये 6 रेशियोज, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल रिलेशंस. ये छह रेसिप्रोकल रिलेशन, और इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, 6 रेसिप्रोकल रिलेशन तुम्हें याद रखना है. ठीक है, किसी को डाउट कुछ भी इसमें तो पूछो. किसी को डाउट? नो सर. नहीं, इसके अलावा एक रिलेशन और मिलता है जो होता है साइन थीटा डिवाइड. एक बार आइडेंटिटीज जब पढ़ाएंगे ना, उसमें भी ये सारा चीज आएगा. क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें? टेन थीटा के बराबर मिलता है. वो कैसे? साइन थीटा क्या लिखोगे बताओ कोई? पी बाय एच. यस सर. कॉस थीटा को क्या लिखोगे? पी बाय एच. ये एच और एच कैंसिल हुआ, तो क्या मिल गया? पी बाय बी. और पी बाय बी क्या होता है? टेन थीटा. तो एक रिलेशन ये याद रखना. और टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या मिल जाएगा? कॉट थीटा. ठीक है, तो ये 6, 6, 12 और ये 2. इसके अलावा तुम और भी बहुत सारे बनते, वो हम कभी धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे. एक ही दिन में सारा फॉर्मूला बता देंगे तो दिक्कत करेगा. अपने कॉपी में अच्छे से लिखते चले जाना. जैसे यहाँ से एक फॉर्मूला तुम खुद से जनरेट कर सकता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या? 1 1 1. ये कॉसेक थीटा इधर भेजो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 नहीं मिलेगा. उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1. आज के लिए बस इतना चीज, इससे ज्यादा हम नहीं, इतने फॉर्मूला से ज्यादा आज नहीं डिस्कस करेंगे. तो तुमको ये सारा याद कर लेना है. अगर लग रहा है हम फिर से एक जगह पे अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख दे रहे हैं, हम बस सबका डिस्कशन कर दिए कैसे क्या निकल के आया है. हम फिर से लिखते जा रहे हैं इस पूरे रेशियोज में. किसी भी पॉइंट पे किसी को डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना मेरे से. तो हम फिर से लिख दे रहे हैं एक एक करके, सम टी रेशियोज. क्या क्या पढ़ा तुमने?
एक मिनट में सारा लिख देंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, पी बाय बी और इस सॉरी पी बाय एच, और इसी के बगल में इसका रेसिप्रोकल लिख दे रहे हैं हम, जो कि होता है कॉसेक थीटा, वो क्या होता है एच बाय पी. उसके अलावा यहां लिख लो कॉट थीटा बी बाय एच, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक था बट हम एक तरीके से लिख रहे हैं कॉस थीटा, सॉरी हम कॉट लिख देते बी बाय एच. तो यहाँ पे सेक थीटा एच बाय बी, टैन थीटा पी बाय बी, और कॉट थीटा बी बाय पी. ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. अब है सम रेसिप्रोकल रिलेशंस. इसमें क्या क्या हमने देखा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा. ये सब का यूज आएगा जब हम तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना सिखाएंगे. साइन थीटा क्या बनता है, वन बाय कॉसेक थीटा. कॉस थीटा क्या बनता है, वन अपॉन सेक थीटा. और टैन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा. और इसके बगल में फिर खुद से लिखते चले जाना, कॉसेक थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा. फिर sec थीटा क्या लिख सकते हैं, तो वन अपॉन cos थीटा. और फाइनली cot थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन tan थीटा. उसके बाद हमने तीन मल्टीप्लीकेशन सिखाया, वो क्या क्या था, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू वन, cot थीटा इंटू tan थीटा ये भी कितना देगा वन, sec थीटा इंटू cos थीटा ये भी कितना मिल जाएगा वन. आया समझ में सबको? यस सर. इसका कोई प्रूफ है क्या? किसका? sin थीटा इंटू cosec थीटा. अरे गधा लड़का. अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है. गोली मारेंगे यहीं पर से हम. हाँ सर, दिमाग में लगेगा जाके. नहीं सर, और नहीं नहीं वो उस रेशियो की बात नहीं कर रहा, बाकी और रेशियो है ना आगे वाले लास्ट वाले एक्सरसाइज में जो यूज होगा, मैं उस रेशियो की बात कर रहा था. मेरे को वो लिखा दिया है. वहाँ भी नहीं पहुंच रहे अभी नहीं, वहाँ भी नहीं पहुंचेंगे. एक दिन में पूरा नहीं सिखाना है. हो गया, किसी को डाउट? नहीं है तो क्वेश्चन बनाना शुरू करो. इस पे क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में होगा, हम बुकलेट भेजे है ना, इस पे होना तो चाहिए. देखो तो तुम्हारे 10 ग्रुप में बुकलेट है क्या ये वाला? बाकी रे हर्षदीप, बुकलेट कब ले जाएगा रे तुम? हर्षदीप. यस सर. कब ले जाएगा बुकलेट? देखते हैं सर. देखते हैं सर, अब देंगे भी नहीं. जाओ अनुप्रभा. यस सर. बुकलेट नहीं ले जाना है. आर्यन तुम्हारा भी इधर पड़ा हुआ है बुकलेट, गधा लोग सब. चलो देखते हैं क्वेश्चन इस पे. देखो तो अपने 10 ग्रुप में, टेलीग्राम के 10 ग्रुप में है क्या ये इसका बुकलेट, एक बार चेक करके बताओ. तो वहीं से क्वेश्चन देंगे, एनसीईआरटी तो तुम लोग बनाते रहेगा इसका. चेक करो जल्दी. सर नहीं है शायद. नहीं है इसमें ट्रायंगल का भेजे नहीं है. पक्का? सर ट्रायंगल के बाद नहीं भेजा. ट्रायंगल के साथ ही इसका बुकलेट होना चाहिए ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी पेयर ऑफ लाइट प्रोसेस नहीं होगा तो फिर हमको क्वेश्चन लिखाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है. उसमें नहीं दिख रहा है ना. चलो कोई नहीं,
क्वेश्चन लिखते चलो, बनाते जाना। एनसीईआरटी में ही देख लेते उससे अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक। चलो पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। कुछ सिमिलर ट्रायंगल का भी इसमें यूज पड़ेगा भाई मेरे, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल भूल रखा है तो काम नहीं चलेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल तो बनाते रहना अपने घर पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बनाओ तो सब फटाफट, जल्दी जल्दी बनाना, टाइम नहीं खराब करना। एक क्वेश्चन हम लिखने का तरीका बस तुम लोग को बता देंगे कैसे लिखा जाता है, बाकी तुम लोग उसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखना। देखो वो भी हम क्या ही बताए, वो अपने देख लो अपने एग्जाम्पल में जैसा लिख के दिखाया ना ऐसे ही तुमको लिखना होगा अपने स्कूल में। जैसे यहाँ टेन थीटा दे रखा है ना 4/3, तो कैसे लिख बनाना है देख लो। ये चीज मत लिखना लेटेस्ट ड्रॉ ये और लंदन, ये सब नहीं, उसके आगे वाला चीज ये सब ध्यान देना थोड़ा, ये सब प्रोसेस बाइट लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? एक बार देख लेना कैसे लिखा जाता है, तब तक के लिए क्वेश्चन बनाओ। बनाओ क्वेश्चन नंबर 1, हम तब तक बुकलेट देखते हैं इधर भेजने का। बुकलेट होना चाहिए वन बना लो, टू बना लो, थ्री बना लो, सब बनाना शुरू करो। क्लास टेन स्टैटिस्टिक है, ट्रायंगल नहीं है। पैकेज 3 है ना जी ये, पैकेज 1 नहीं है ये पैकेज अभी मेरे पास पीडीएफ में। चलो ठीक है बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, जिससे बन रहा है बता, बनाते चलो इसको। फर्स्ट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, डाउट हो रहा है जिसको पूछते चलो। घर पे इसको कर लेना बाकी क्वेश्चन, इसमें तुम लोग घर से आराम से क्वेश्चन 1 हम क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं एनसीईआरटी करने का, कर लेना 1 कर लेना, 2 कर लेना, और अच्छे से बना लो ये सारे अपने एनसीईआरटी बुक कॉपी में अच्छे से बनाओ, ताकि स्कूल में अगर डिमांड होता है तो तुम यही दिखा दो, दोबारा मेहनत करना ना पड़े स्कूल के लिए। क्वेश्चन 1 कर लेना, 2 बना सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना करके, 7 कर सकता है। हाँ एक चीज देखो यहाँ पे दिखा, ये जो स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जैसे कॉट थीटा यहाँ पे 7/8 दे रखा है ना, और तुमसे बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, तो तुम इसको डायरेक्टली 7/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो हम इसको टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रहा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आ रहा है सब समझ में? तो तुम एनसीईआरटी घर पे बनाना, यहाँ पे टाइम मत खराब करो एनसीईआरटी में। अप टू क्या सारा क्वेश्चन कर सकते हो इसमें एनसीईआरटी में, पूरा चैप्टर 1 करके आना तुम लोग घर से। जो क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हम तब तक इसके अलावा कुछ क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, करते चलो अभी। क्वेश्चन है पहले कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। फटाफट बना लेना इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुरंत तुरंत बनाना, ज्यादा टाइम मत खराब करना, अपने कॉपी में आराम से बना लो। ए बी सी है,
जिसमें ये 13 दिया है, ये 5 दिया है, सारा रेशियो निकालो, ऑल 6 रेशियोज निकालो, तुरंत बनाओ, और कैसे लिखना है प्रॉपरली वो तुम्हारा काम, एक बार देख लेना, वो चीज तो तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना होता है एक बार देख लेना अपने कॉपी में, एनसीईआरटी बुक में इसको दे रखा है। ये हो जाता है, तो दूसरा करना, साइन ए दे रखा है 3/5, साइन ए कितना दिया है 3/5, तुमको कॉस ए निकालना है, एंड टेन ए निकालना है, डायग्राम है इसका, सी बी ए बनाओ, दूसरा इस पे एक क्वेश्चन अपने से खुद से कर लेना, ये घर पे करके आना, फिर बंद हो जाएगा अभी, क्या जी, कॉस बी दे रखा है, ये घर पे करना 1/3। सर फर्स्ट क्वेश्चन में बीसी का नहीं दिया हुआ लेंथ कुछ, बीसी नहीं दिया, एसी और बी, एसी और एबी दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बन जाएगा, पाइथागोरस से बीसी निकाल लो, काम खत्म। कॉस बी 1/3 दिया है, यहाँ से सारा रेशियोज निकाल लेना, फाइंड ऑल टी रेशियोज, इसके बाद ढूंढने दो क्वेश्चन और, अच्छा ये करना नहीं है, बस हम एक बार बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, कॉसेक ए इक्वल्स टू रूट अंडर 10 दिया है, तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10, और नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या अज्यूम कर लेंगे, 1, ये चीज पता होना चाहिए, कॉसेक, जैसे क्वेश्चन में क्या था, कॉसेक ए दे रखा था रूट अंडर 10, और तुमको बोला था फाइंड ऑल रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो क्या करोगे यहाँ पे 1 लगा लेना खुद से, क्लियर, ये क्वेश्चन कर लेना एक बार, करो ये सब कर लो, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब बन जाएगा ना बेसिक क्वेश्चन, अब अंजना अक्षत अनुप्रभा ये सब बन जाएगा, आकृति यस सर ये सब बन जाएगा ना बेसिक क्वेश्चन, हाँ बन जाएगा, ठीक है, राज कौशल हर्षदीप यस सर बन जाएगा, कर लोगे ये सब चीज, यस, ओमकार और पीयूष कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो हम लेवल थोड़ा बढ़ा ही देते हैं क्वेश्चन का, ये सब में रखा ही क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, ये सब कर लेना, ऐसा क्वेश्चन जितना मिल रहा है खुद से बनाते चले जाओ, तुम्हारे पैकेज में भी ये सब दे रखा है, फोर्थ नंबर, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर की जाना, दोनों क्वेश्चन नोट, क्या करेगा नोट करके, बस ऐसे ही है, फोर्थ बनाओ अभी, इफ टेन ए इक्वल्स टू रूट 2-1 show that sin a into cos a equals to √2/4, ये करो अभी फोर्थ नंबर, ये हो जाता है, तो करो इसको तब तक,
tan a equals to 1 and tan b equals to root 3 evaluate cos a into cos b minus sin a into sin b ये करो करो इतना फिर और भी देते हैं क्वेश्चन अरे अंजना बोल लिया कर यार बार बार चैट खोलना पड़ता है हमको हाँ सर बना लिए बता दीजिएगा बाकी के बना लिए अबे बेवकूफ लड़की बोल ले इतना शरीर में जान ही नहीं है क्या ये बन जाता है तो बताते चलना अगर जिससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है एक बार बोल देना मुझे यार चश्मा वश्मा मेरे को भी लग जाया क्या जी दिन भर स्क्रीन देखते देखते हालत खराब हो जाती है ये बन जाए करो इसको चलो इतना अभी बनाओ फिर कुछ होमवर्क दे देंगे एनसीईआरटी प्लस कुछ हम क्वेश्चन देंगे उसको करके आना का आंसर क्या है hey, बेवकूफ लड़की माथा फोड़े आके घर पे बोलो प्रूफ करना है LHS RHS इक्वल हे भगवान क्या होगा इस देश का
कहाँ तक बना? फाइव का किसी का बना? फाइव का क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव बना किसी से? फोर बना सर, अभी फोर बना रहा है, फोर ही बना रहा है। थ्री भी बनाने लगा था क्या? नो सर, नो सर। नहीं ना, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं यार आज, बनना चाहिए। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे फिर तुम लोग का। भूल गए कैसे बनाते? कौन सा? बहुत पहले बनाए थे तो भूल गए सब। बढ़िया है सर। 5 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2। 5 का कितना आया? 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2। एक मिनट, क्या था क्वेश्चन? इफ टेन ए इक्वल्स टू वन, टेन बी इक्वल्स टू रूट थ्री। ढूंढना पड़ेगा जी आंसर कहाँ चला गया। हाँ कितना था एक बार और बोल देना? वन माइनस रूट थ्री बाय टू रूट टू। हाँ ठीक है, 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। यस सर, मेरा वही आया। और किसी का? फोर कितने से बना? हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर फोर कितने से बना? अनु, प्रभा, हर्षदीप, अक्षय, अंजना, राज, कौशल, आकृति, पीयूष, आर्यन। नहीं बना जी फोर्थ। आकृति? हाँ सर, नहीं बन रहा, दूसरा बना रहा। अरे ले, फोर नहीं बना, बन ही नहीं रहा तो। अबे बेवकूफ, ऐड सबट्रैक्ट करने में गलती करेगी तो कहां से बनेगा? टेन ए इक्वल्स रूट टू माइनस वन। तो बताओ, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, इधर ही कर लो, ये टेन ए है ना, ए बी सी करो इसको, ये रूट टू माइनस वन होगा, ये वन हो जाएगा, तो ए सी कितना आएगा बताओ, बताओ आकृति। अरे ए सी क्या होगा आकृति? हाँ, यस। एसी क्या होगा? मेरा तो टू फोर माइनस टू अंडर रूट टू आया। एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी स्क्वायर वन हो गया। बीसी स्क्वायर टू प्लस वन माइनस टू रूट टू। फोर माइनस टू रूट टू। तो साइन ए क्या लिखेगी? साइन ए क्या लिखोगी बताओ? 4 माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट
साइन ए इस एंगल के लिए, सॉरी, तो लिखेगी रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू रूट टू, यस सर। और कॉस ए, तो कॉस ए फिर से इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कॉस ए लिखेगी वन माइनस सॉरी वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू रूट टू, यस सर। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा रूट टू माइनस वन, और नीचे फोर माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर होगा। हाँ यस सर, कहाँ गलती कर रही है, इतना दूर तक पहुंच गई। तो ये 16 प्लस 8 ठीक है, हाँ, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab क्या बनेगा, 28 जा 24 जा 8 2 जा 16 माइनस 16 रूट 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखो कहाँ गड़बड़ कर रही है, देखो देखो, ये तो बनना चाहिए था। देखना इसको करके फिर आगे, ठीक है, यही आया था तुम्हारा या डिफरेंट आ रहा था इससे? हाँ सर यही आ रहा था, एसी का वैल्यू यही आ रहा था। ये साइन ए इनटू कॉस ए यही आया था जो मैंने लेकर मैं लेकर के आया हूँ, रूट टू माइनस वन। नहीं सर, दूसरा वहीं पे गलती हुआ। हाँ तो फिर सुधारो, एडिशन सब्ट्रैक्शन सुधारो। और किससे बना, फाइव कितने से बन गया, हैंड्रेस करो। क्वेश्चन नंबर फाइव अक्षत से बना है, हर्षदीप से बना है, और नहीं बना किसी से, अक्षत हर्षदीप फाइव नहीं बना। जाते हैं कूलिंग पॉइंट में हम आज, अभी ही चले जाते हैं। सर एक मिनट बना रहा है। बताए क्यों सर, आदित्य आर्यन कूलिंग पॉइंट क्यों जा रहे हैं सर? ऐसे घूमने का मन कर रहा है, तुमको क्या लगा था हम क्या सोच रहे हैं? नहाने का मन कर रहा है। मारेंगे ना, इतना खुराफात करने लगता है। चलो फोर बनाना, फाइव देखो, फाइव एट टेन फाइव बहुत कम लोग से बना, क्यों भाई? टेन ए वन दे रखा है, टेन वी रूट थ्री दे रखा है, ठीक है, बनाओ इसको। बनेगा चलो बनाओ बनाओ बनाओ। कितने लोग से बना, फाइव, एक बार फिर से रेंडर करो, हैंड्रेस करो। तो अगर बहुत लोग से नहीं बना होगा तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे क्लास अप होने के टाइम। सिर्फ दो लोग से ही बना है, ठीक है, फाइव अभी छोड़ दो तुम लोग, क्लास एंड होते टाइम हम थोड़ा सा तुम लोग को रोक करके इसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे भी नहीं बना है। हम देख लिए किस किस से नहीं बना है, भागा कोई भी तो याद रखना। सिक्स बनाओ, सिक्स बनाओ, सिक्स कितने से बना सर? सिक्स में फोर कॉस, फोर कॉस थ्री बी क्या है उधर, क्यूब क्यूब बी, फोर कॉस क्यूब बी। फाइव छोड़ दो जिससे नहीं बना, सिक्स बनाओ। हाँ सर बन गया, सिक्स बनाओ। मन गया आदित्य आर्यन, क्या लगता है? तू स्टार आदमी है भाई, मना ही सकता है, क्या दिक्कत है? कुछ भी सर, हम मजाक उड़ा रहे हैं, आज क्या हुआ है तो सर से पूछिएगा। क्या हो गया,
टेस्ट वाले में वही तो सर सब्जेक्टिव ले लिया, इतना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। हाँ तो अगले सर ने हम ले रहे सब्जेक्टिव मैथ का। सर मेरे टांग में घुटना आ गया तो मैं नहीं दे पाऊंगा काइंडली। क्यों? रेंट के लिए लीव, क्योंकि सर मेरे टांग में घुटना आ गया तो सब्जेक्ट है बनी। अच्छा खड़े हो करके देना फिर और क्या सर प्लीज नहीं क्या होता है उस दिन अपना क्लास है। गलत फहमी में मत रहो, संडे को अब एक भी क्लासेस नहीं होगी अगली इस वीक से, किसी की भी क्लासेस नहीं लगेगी, तो गलत फहमी में हो तुम। फिर टाइम टेबल देखो एक बार, टेस्ट तुम लोग, अच्छा ऑलरेडी तुम लोग का टेस्ट लगा हुआ है। हाँ तो ठीक है, आरबेच का भी टेस्ट देखा था मैं, आरबेच का भी। अब एक गदा बात सुन ले पूरी मेरी, आरबेच का भी देना है और इस भी देना है तुमको, नहीं देगा तो घर पे। बीच में कुछ कुछ छूट गया तो प्रियांश बताया, प्रियांश नहीं ना आया सर क्लास में? नहीं सर, दो सेकंड लेके आता हूँ। चलो बताओ सिक्स कितने से बना, क्वेश्चन नंबर सिक्स। लग रहा नहीं बनेगा सर, इन प्रोसेस। अच्छा से बन गया, चलो ठीक है, जिससे नहीं बना अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स बन गया अक्षत, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे बनाओ। सेवन नंबर, तुम टाइम मत खराब करो, इसको बनाओ। तो इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तुमको बाकी पांच रेशियो निकालना। लिखो लो क्वेश्चन फटाफट, फाइंड ऑल द ऑल फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव टी रेशियोज। अक्षत बनाओ इसको, लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक मोहतरमा साहब, क्यों नहीं बना जी ये क्वेश्चन? थर्ड नंबर साइन थीटा दे, लिख लिया ना, हम ये हटा रहे हैं। साइन भी दे रखा है वन बाय टू, कॉस भी क्या आएगा, ये तो निकाल लिया होगा तू लोग। कॉस भी कितना आया जी बताओ, आकृति बताओ, कॉस भी कितना आएगा सर? कॉस, रुक जा। हाँ सर, कॉस भी कितना आएगा, साइन भी वन बाय टू है तो कॉस भी कितना? एक मिनट। ये 2 by under root 5। और किसी को इस पे टिप्पणी करना है, किसी का और दूसरा चीज आए तो बताओ सर? cos 3b ना, अबे सिर्फ हम cos b पूछ रहे हैं तो सिर्फ cos b बताओ ना। cos b 0 है, cos b 0 30। अरे रेशियो बताओ कॉस बी का कितना आएगा, परपेंड बेस बाय हाइपोटेनस कितना आएगा, डिवाइडेड बाय टू तो रहेगा ही रहेगा ना। नहीं अब शब्द नहीं है मेरे पास अब बोलने को, तुम लोग ऐसा सिचुएशन पे डाल दिया मुझे। अरे भाई मेरे, साइन भी दे रखा है वन बाय टू तो कॉस भी तो निकाल लो। अरे कॉस भी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, साइन भी वन बाय टू, ए बी सी, ए बी कितना है बताओ तो कोई, साइन बी वन बाय टू है तो ए बी क्या होगा सर? वन, ए बी वन। अब पाइथागोरस लगाएंगे ना, साइन बी वन बाय टू है तो ए बी कितना,
सर सेवन डन सर। रहन दे अभी तेरी बात नहीं सुनेंगे, अभी इन लोग से निपटने दो। मत सुनिए सर, मैं लिख लेता हूँ कुछ कुछ। सच में यार कैसे कैसे तुम बना लिया इसके पहले। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो बोला करो ना भाई मेरे, गजब करता है तुम लोग। साइन थीटा क्या होता है बताओ कोई। सर पी बाई एच। पी बाई एच होता है तो साइन बी वन बाय टू दिया है तो वन किसको डिनोट करेगा, कौन से साइड को डिनोट करेगा। Perpendicular. तो ए बी हो जाएगा वन, कौन सा साइड वन होगा। कौन सा साइड वन होगा कोई तो बताओ। ए बी। सी ए बी। अरे ए बी कैसे होगा भाई, ए सी होगा वन। और ये किसको डिनोट करता है, डिनोमिनेटर हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस ए बी कितना हो जाएगा टू। तो बी सी नहीं निकाल लोगे, आएगा टू का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या मिलेगा, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अंडर रूट। बी सी स्क्वायर कितना थ्री, यानी बी सी कितना मिल जाएगा रूट अंडर थ्री। तो बी सी रूट अंडर थ्री तो कॉस भी कितना रूट थ्री बाय टू का होल क्यूब करो इसको सॉल्व। थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस ये कितना आ जाएगा फोर इंटू थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई एट आएगा, और ये फोर से एट गया टू बार में, थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो। ये नहीं आइडिया लगा था ऑनेस्टली बताना, ये चीज नहीं आया समझ में, हम तो क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तुम लोग बेवकूफ सब। बोला करो नहीं समझ में आया सर, हम यहाँ बैठे बैठे कैसे पता कर लेंगे। तो तुम कैसे बना लिया ये सब, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन कैसे बन गया फिर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे बना लिया, क्वेश्चन नंबर टू कैसे बना लिया तुम लोग। हाँ नहीं बताएगा यार तो हम नहीं कुछ कर सकते, हम बैठ करके यहाँ तुम्हारा हरकत नहीं देख रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हो, बोला करो डाउट है, हम मारने पीटने थोड़ी जा रहे हैं तुमको, जब बेवकूफ है सब। आया समझ में अनुप्रभा। yes, अक्षत। अक्षत तो बना लिया था। आकृति। हाँ सर समझ में। बोला करो यार कि एक एग्जांपल दे दीजिए सर, कुछ भी तुम लोग बोलता नहीं, हम बोले एक क्वेश्चन दे दिए हाँ सर बना लेंगे फिर गायब हो जाते हो। और कौन है, हर्षदीप, राज कौशल, आया समझ में कुछ। यस सर यस। साइन थीटा है तभी हम लोग नहीं पता कर सकते, साइन ए दे दिया तो नहीं निकाल सकते क्या, जरूरी है कि हर जगह तुमको साइन थीटा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें साइन थीटा दे रखा है, ये बनाए ट्रायंगल, हम एक काम हमेशा करना, एक ट्रायंगल खुद से हमेशा ड्रॉ करना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तुमको ट्रायंगल ड्रॉ करना ही है, तो इसको एबीसी नाम दो, थीटा तुम्हारे ऊपर है कहीं पे भी डालो इसमें, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे साइन ए मेंशन होता तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन सी मेंशन होता तो हम इस एंगल साइन सी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा लिखा है तो थीटा लिखा है, तुम इंडिपेंडेंट है, चाहे ए ले लो या चाहे सी ले लो, तो किसको ले ले, अगर हम इसको थीटा ले तो ए बी क्या आएगा बताओ कोई, अगर हम सी को थीटा ले लिए तो ए बी का कितना लेंथ है, ए बी का मेजरमेंट कितना हो गया बताओ। कितना नहीं नहीं सी को थीटा लिया है ना। हाँ तो ए बी क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताओ तो पहले सबको, ये कैसे डिसाइड हो रहा है ये समझ में आ रहा है, हम कैसे साइन थीटा ये सी ले लिए और बोल दिए ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितने को नहीं समझ में आया वो बोलो।
ऑनेस्टली बताओ यार, हमको टाइम का कोई हड़बड़ी नहीं है, हम आराम से क्या सिलेबस सर कर क्या बोले ए, तो ये अलग रूल आती है मेरे को बार बार, क्या सर क्या एक बार बताइए ना मारेंगे ना इतना तुम लोगों, हम यही बोले थे जैसे साइन थीटा दे रखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो थीटा हम कोई भी ले सकते हैं, एंगल सी पे भी ले सकते हैं या एंगल ए पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये बोल रहे थे कि हम ये रेशियोज देख करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेशियो से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कैसे पता परपेंडिकुलर बाय फार्मूला से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हम अगर इस सी को थीटा अज्यूम किए तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा साइड होगा, ए बी। तो यहाँ परपेंडिकुलर इस रेशियो के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का मेजरमेंट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा साइड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा साइड होगा, हाइपोटेनस ए सी ए स्क्वायर हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। और तुमको निकालना क्या है, अदर फाइव रेशियोज, तो पहले तो पाइथागोरस लगा करके बी सी निकालो, टू ए बी, बी सी क्या होगा टू ए बी रूट अंडर टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो सब 2ab बोल रहा है तो 2ab, तो ये 2ab हो गया, साइन थीटा दिया था, अब थीटा मत चेंज कर लेना, कॉस थीटा कितना लिखेगा 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर टेन थीटा कितना लिखेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, क्लियर? अरे क्लियर, या अभी भी डाउट है किसी को? यस सर। नहीं है ना डाउट, ऑनेस्टली बताओ। हाँ ठीक है, अब देखो इसी में एक चीज और तुमको सिखा दे रहे हैं हम, जैसे इसका वैल्यू मेरा कितना आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता थीटा के जगह पे यहाँ पे साइन बी कर देता या साइन सी कर दिया, तो साइन सी के अकॉर्डिंग ये रेशियो, तो ये साइड का एक मिनट, हाँ साइन सी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल का तीनों साइड का मेजरमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओ, करेक्ट है क्योंकि परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ देता कि कॉस बी बताओ, क्या बताओ cos b, तब सॉरी cos b नहीं, b पे तो 90 डिग्री है, cos a बताओ तब रेशियो क्या लिखते हैं, cos a अगर तुमसे बोलता इसी फिगर के लिए तो क्या रेशियो लिखते हैं सर, bc हो जाता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, bc वाह मेरे सिर वाह, bc इस मेजरमेंट तुम चेंज कर देगी सर, हमें चेंज नहीं सर, एक ट्रायंगल है 5, 6, 7 का, हम ये एंगल बी और एंगल सी और ये एंगल ए, हम बोल रहे हैं एंगल ए के लिए बी सी 6 है, तो एंगल सी के लिए क्या बी सी 7 हो जाएगा, कॉस ए का रेशियो बताओ, सर ये बी सी बाय 2ab/a2, ठीक है तेरा आंसर सही है, पहले cos a बताओ रेशियो क्या लिखेगा, ab/bc सर 2ab/a2/bc कितना लिखेगा, 2ab/a2/b2 cos a के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सोचो क्यों होगा, सोचो नहीं, तुमको कुछ भी नहीं आया समझ में, आज का क्लास ऐसे ही बर्बाद हुआ, हम समझ गए, बी बाई एच होता है
रेशियो याद ही नहीं हो पाया अभी तक, मुझे दिक्कत ये है ना, रेशियो याद होगा तब तो क्वेश्चन होता बी भाई एस होता तो cos a अगर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b ये होगा आंसर। नहीं समझ पाए हो तुम लोग, समझ गए बस हाँ में हाँ उतना देर से मिलाया जा रहा था, लेकिन पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता कौन थी पता नहीं वाला सीन है, कुछ भी नहीं समझाए तुम लोग, कहाँ से आगे का क्वेश्चन करेगा, नहीं समझ में आता यार, बोला करो ना भाई सर एग्जांपल और करवाइए, हम तो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है मेरे तरफ से भी गलती हुई, हमको भी सोचना चाहिए था कि नहीं समझ में आया होगा, करो बेसिक क्वेश्चन पहले तुम लोग। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, अगर साइन सी 3/5 दिया हुआ है, तो पहले तो तुम लोग बताओ ए बी कितना होगा, ए बी बताओ, बी सी बताओ और ए सी बताओ। अच्छा तुम लीव कर सकते हैं, तुमको ये सब चीज आता है तो फालतू का टाइम मत खराब करो, अगर रुकना है तो रुक सकते हो, बताओ एक एक करके। अगर साइन सी 3/5 दिया है सर, ए सी 5 होगा, रुको एसी कितना, एक मिनट सर आपको वीडियो पैनल हाइड करके रखे हैं क्या आप, रुक जा भाई इसको बंद करना, अरे वीडियो कॉल कर दिया सब तो आवाज गूंजने लगा। हाँ देखो ए बी कितना होगा बताओ, कोई वीडियो पैनल हाइड करके रखे हैं, कितनी होगा सर ए बी कितना, 3/3 ए बी 3 हाँ। साइन सी 3/5 है तो ए बी 3, बी सी, बी सी 4, बी सी 4 और ए सी 5। कैसे पता कर ली, वो फॉर्मूला से और फिर एक एंगल पाइथागोरस थ्योरम से। सबको आया समझ में, यस सर। तो उसी तरीके से अभी जो क्वेश्चन था इसमें साइन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यही चीज था ना जी, सेम चीज था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए बी क्या होगा इसमें, अब बताओ ए बी क्या, बोलो कोई भी, ए बी कितना, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, ए सी कितना, ठीक है अब समझ में आ रहा है सबको, तुमको क्या करना है, छह रेशियोज ध्यान में रखने हैं, छह रेशियोज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको साइड डिसाइड करना होगा, ठीक है, जैसे साइन सी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो फिर ट्रायंगल एक बनाना, ट्रायंगल बना करके जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइन सी मेंशन किया हुआ है, तो उस एंगल का अपोजिट साइड क्या किस चीज का काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और और जो दूसरा एक साइड बच गया वो किस चीज का काम कर जाएगा, बेस का, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन में साइन ए का बात करते, साइन ए यहाँ पे साइन सी की जगह हम साइन ए लिख दे, साइन ए लिख दे, तो अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी तुमको अब क्या करना पड़ेगा,
निकालना पड़ जाएगा. बीसी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस और एसी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो पहले तुम एनसीईआरटी आज बना करके आओ, हम फालतू का क्वेश्चन हेडेक नहीं देंगे. एनसीईआरटी करो. और कब है हम, मेरा क्लास कब है अगले वीक में देखो तो जरा. पहले बेसिक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ और तो वीडियो पैनल हाइड करके रखो. क्या अब वीडियो पैनल हाइड करके रखे हैं, दूसरे को वीडियो नहीं दिखता है क्या? मेरे को क्या पता, ऐसा कीजिए ना, आपके ऊपर सेटिंग में होगा, देखिए ना एक बार वीडियो पैनल इनेबल कीजिए ना एक सेकंड के लिए. थर्सडे को है क्या, इसमें करना है? वीडियो नहीं दिख रहा था क्या? हाँ दिख रहा है. आपको नहीं दिख रहा है, हम लोग का तुमको देख के क्या करेंगे हम. अरे प्लीज एक बार कीजिए ना, मेरे को पीछे सागर का फोटो दिखाना है आपने. आप भी रुक जाओ फिर क्लास के बाद, ठीक है? तो एक काम करो तुम लोग, ये सब क्वेश्चन जो भी है बेसिक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग जाकर के. इतना रेशियोज अगले क्लास तक सारा याद होना चाहिए, जो भी साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो, जो भी होता है. क्योंकि अगर रेशियो नहीं याद रहेगा तो तुमको रेशियो ध्यान में ही नहीं रहेगा तो ट्रायंगल के साइड डिसाइड करने में दिक्कत होंगी. तो रेशियो सारा का सारा पढ़ो जा करके, रेशियो याद करो. और याद करने का भी नीड नहीं होगा, जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन बनाएगा उतना जल्दी जल्दी रेशियो याद होते चला जाएगा, ठीक है? तो एक बार रेशियो पढ़ के आना, क्योंकि अभी दिख गया तुम लोग का यही दिक्कत था, तुम बोला भी नहीं ना कोई कि सर बता दीजिए एक बार फिर से, ठीक है? तो करना क्या है, जैसे अगर यहाँ पे एक चीज और जानो, अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ रहता तो हम चाहे ए को भी थीटा एज्यूम कर सकते थे या फिर सी को भी. किसी एक को थीटा एज्यूम करते उसके अकॉर्डिंग फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिसाइड हो जाता, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये फिक्स हो जाता, ठीक है? अगर साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहता, हाइपोटेनस तो तुम्हारा फिक्स होता. थीटा तुम इंडिपेंडेंट हो, किसी भी एंगल पे ले सकते थे, एंगल ए के लिए भी या फिर एंगल सी के लिए भी. अगर एंगल सी के लिए तुम थीटा लेते तो ए भी बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन अगर एंगल ए के लिए थीटा लेते तो बी सी बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये चीज डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अगर यहाँ पे साइड का ये वर्टेक्स लिखा हुआ या एंगल मेंशन किया हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है या साइन सी लिखा हुआ है, तब सारा चीज फिक्स है, परपेंडिकुलर फिक्स है, बेस फिक्स कर लेना, हाइपोटेनस फिक्स कर लेना. लेकिन जब यहाँ पे थीटा मेंशन होगा तो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है. किसी के लिए थीटा ए हो सकता है, किसी के लिए थीटा सी भी हो सकता था. ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर. ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो और जा करके एनसीईआरटी पूरा बनाओ. एनसीईआरटी पूरा बनाना और बुकलेट, यार किसी के पास है क्या पीडीएफ इसका, बुकलेट का, किसी के भी पास? नहीं सर, बुकलेट ट्रायंगल चैप्टर का पीडीएफ हम नहीं भेजे थे. भेजे थे सर, भेजे थे. उसी में ये होना चाहिए था ना सर, देखेंगे. अबे अभी काम है तो देखेंगे. अजीब तो रेशियो को नेमनिक्स करना है क्या पास में अभी सर? उसके साथ होगा क्या, ट्रायंगल के ही साथ में होना चाहिए? ट्रायंगल वाला जो भेजे हैं उसके साथ. हाँ भाई तो वो पैकेज भेजना, पीडीएफ है वो, पीडीएफ है तो भेजो तो टेलीग्राम पे एक बार चेक करो सब कोई, उससे हम दे देते कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन. एकदम बेसिक क्वेश्चन तुम लोग करो पहले आज, और सिलेबस आराम से निपटेगा. हम जितना टारगेट लिए हैं उस टाइम तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसलिए झंझट नहीं लेना है तुमको. हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन सीखते हुए जाना है, हड़बड़ाना नहीं है क्या होगा नहीं होगा वाला. इसमें एक ट्रिगो ही हमारा एक बड़ा चैप्टर बच गया है जिसमें एटलीस्ट दो लेक्चर रेशियोज में जाएगा, फिर पार्टिकुलर एंगल पे एक या दो लेक्चर, दो चार पाँच सात आठ नौ दस लेक्चर इसमें लगेगा. उसके अलावा हमारा कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं लगेगा. सारा भी जो चैप्टर बच गया उसमें तीन लेक्चर चार लेक्चर मैक्सिमम लगेगा और ख़त्म हो जाएगा. तो ट्रिगो हमारा मैक्सिमम अगस्त तक जा सकता है, पूरा अगस्त ले लेगा. हर एक वीक दो दो क्लास भी लगेगा ना,
तो ठीक है, हम क्लासेस बढ़वा भी लेंगे, तो सिलेबस का क्या मिला, क्या मेरे पास है? नहीं है सर। अच्छा नहीं है। निमोनिक्स, निमोनिक्स उससे मतलब ये रेशियो ऐड करने से सेंटेंस बन जाते हैं। क्या निमोनिक्स से बताओ, क्या तो नाम था स्टूडेंट करके कुछ रहता था, पता नहीं। मैं छोड़ रहा हूं और बोल रहा हूं सर। नहीं रहने दे रहे इन लोग अपना रट के आएगा। चलो ठीक है, तुम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाओ एनसीईआरटी का, और फिर हम लोग अगली क्लास में फिर इस पे आगे क्वेश्चन और कराएंगे। तुम्हारा काम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बनाओ और वहां से सारे रेशियो को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगले क्लास में जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें किसी को नहीं समझ में आएगा क्या लिख रहा है। अच्छा ये पता है सबको, पंडित वंडित जो कर रहा है ये करवा चुका है, ये लोग खुद बोला है, ये रहने दे इसको, ये पता है। अब याद नहीं हो रहा तब क्या हो सकता है? नहीं नहीं वो तो आज ही सिखाया इन लोग को, सिखाया सब। तो अगले क्लास तक एटलीस्ट तुम लोग से रिक्वेस्ट है सारा रेशियोज दिमाग में एकदम बिठा के आना, रेशियोज ध्यान में रहेगा तो सारे क्वेश्चन इसके बनते चले जाएंगे। तो सारा रेशियो बना जाना एक बार, ठीक है, ताकि हम अगले क्लास में लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस पूरे कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तुम्हारा एक ही काम बचेगा, वो है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कंफ्यूजन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। जो भी दिया रहेगा, जो भी रेशियोज दिया रहेगा, वहां से तुमको क्या करना है, बस रेशियोज से तुमको साइड को डिसाइड करना है। जैसे ही तुम साइड डिसाइड कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल ये इस रेशियोज के क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो उतना करके आना आज। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। हम तुमको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, सबके पास बुकलेट है भी, तो क्या क्या करना है देख लेना। हम कुछ क्वेश्चन हम मैसेज कर देते हैं अगर हम फुर्सत में आते हैं तो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।